नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। आज आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा ये ऑटो रिस्क मैनेजर जो सॉफ्टवेयर मैंने बनवाया है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और यूज कैसे करते हैं हिंदी में। उसका शॉर्ट नेम है ARM, ऑटो रिस्क मैनेजर। सबसे पहले ये चलता सिर्फ जीरोडा पे है और किस पर नहीं चलता, तो आपको जीरोडा अकाउंट होना जरूरी है। अगर नहीं है आपके पास अकाउंट, कोई बात नहीं, उसका लिंक नीचे है, आप क्लिक कर दीजिए, जीरोडा अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले आप अपने जीरोडा अकाउंट पर लॉग इन कीजिए, वो जरूरी है, रिपीट करता हूँ, जरूरी है। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर ARM सॉफ्टवेयर का जो शॉर्टकट है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कीजिए, अब ये खुलेगा। सुनिए, यहाँ पर आपको यूजर आईडी दिखाई दे रहा है, या आपको यूजर आईडी भरना है ना, इस पर आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैं अपना कर लेता हूँ यूजर आईडी फिल, ये मैंने यूजर आईडी फिल कर लिया यहाँ पर, ये मेरा यूजर आईडी फिल हो गया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा प्रोफाइल पर, और इस पर प्रोफाइल पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। अब ये आ गया यूजर आईडी। अब यहाँ पर आपको दिखेगा, प्रोफाइल पर वापस जाइए। यहाँ पर आपको तीन तरीके हैं लॉगिन करने के लिए, एज लॉगिन है, क्रोम का लॉगिन है, और मैनुअल लॉगिन है। आपको करना क्या है, आप एज पर कीजिए, अगर आपका एज ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है तो क्रोम ब्राउजर पर कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर में तो एक ब्राउजर में थोड़ी दिक्कत है, उसकी बात हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं करूंगा मैनुअल लॉगिन। लेकिन अगर आप एज पे जाते हैं या क्रोम पर जाते हैं, आप क्लिक कीजिए, देखिए अगर नहीं होता तो आप मैनुअल लॉगिन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। चलो मैं इस बार क्रोम लॉगिन करता हूं। ये क्रोम लॉगिन किया मैंने, तो सबसे पहले मैं इसको 100 स्ट्राइक प्राइस और ये 100 करकर मैं इसको सेव करता हूं। ये एक स्ट्राइक प्राइस का है, सेव करना जरूरी है। मैनुअल लॉगिन करने का मैं तरीका बताता हूं, बहुत सिंपल है, इजी है। तो आपको जाना है अपने काइट सॉफ्टवेयर पर, ये रहा काइट सॉफ्टवेयर, यहां पर जाना है आपको काइट सॉफ्टवेयर। जब काइट सॉफ्टवेयर पर जाएंगे तो यहां पर आपको देखेंगे डैशबोर्ड और दिखाएगा ऑर्डर्स, आपको क्लिक करना है ऑर्डर्स पर, ध्यान दीजिए ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। जब ऑर्डर्स पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर जो गेट स्टार्टेड है इसके आसपास कहीं पर विंडो में आप राइट क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक कीजिए, सबसे नीचे आएगा इंस्पेक्ट, सबसे नीचे आप उस पर क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट हो गया। अब क्या होगा, अब आपका ये विंडो खुल गया, बड़ा वाला व्हाइट वाला, इसमें आपको जाना है ऊपर, ऊपर देखिए एलिमेंट्स लिखा है, कंसोल लिखा हुआ है, सोर्सेस लिखा हुआ है, नेटवर्क लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, आपको जाना है नेटवर्क पर, ये क्लिक कीजिए या डबल क्लिक कीजिए। अब नेटवर्क क्लिक कर दिया आपने, अब करना क्या है, अब नीचे खोलेंगे, अब हाइड डेटा URLs और ऑल लिखा हुआ है और फेच XHR लिखा हुआ है, आपको जाना है और क्लिक करना है फेच XHR, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल आर करेंगे, आपको रिफ्रेश करना है पेज को, तो कंट्रोल आर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप अपने कीबोर्ड पर जाइए, कंट्रोल और आर दबाइए, जैसे दबाएंगे तो ये विंडो खुल जाएगा। इसमें आपको नीचे चार ऑप्शंस मिलेंगे, फुल, प्रेफरेंस, ऑर्डर्स और बुलेटिन, आपको जाना है ऑर्डर्स पर, ये ऑर्डर्स पर क्लिक कीजिए। अब क्या करना है, अब ये विंडो खुल गया, वेरी गुड। अब यहाँ पर जाके स्क्रोल डाउन करना है, जैसे आप स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन दिखेगा, यहाँ पर ऑथराइजेशन ई टोकन लिखा हुआ है, एन टोकन, ENCOTN, आपको यहां से एन टोकन नहीं, यहां से कॉपी करना है, ये जे लिखा हुआ है, यहां से कॉपी करना है एंड तक, जहां पर डबल इक्वल आता है, यहां पर ये डबल इक्वल आता है, ये कॉपी करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और कॉपी करना है इसको, बस और कुछ नहीं करना है, एन टोकन कॉपी नहीं करना है, एन टोकन छोड़ना है ऑथराइजेशन के बाद, और फिर जाना है इस विंडो पर, यहाँ पर ये विंडो है जहां पर रखा है एन टोकन भरना है आपको, यहाँ पर आप जाइए क्लिक कीजिए और क्लिक डब क्लिक कंट्रोल और वी कर दीजिए, आपको बाद में ओके करना है, बस देखिए आपका लॉगिन हो गया।